तो ये रहे फूले फूले बटोरे, एक बार मैंने डाला और देखिए ये कितना अच्छा फूला है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीति रेसिपी ब्लॉग। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ भटूरे की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और 10 मिनट में बन जाती है। सिर्फ मैदे को जो है वो आपको 2 घंटे पहले ही कूद के रख लेना है, मतलब अगर आप शाम में खाने वाले हैं तो आपको दोपहर में ही इसे कूद कर रख लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। फ्रेंड, ये मैंने इंग्रेडिएंट्स कुछ लिए हुए हैं। ये देखिए, मैदा मैंने करीब 400 ग्राम मैदा लिया हुआ है। उसके बाद मैंने 1/2 कटोरी सूजी लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने दही लिया है, 2 चम्मच मैंने रिफाइन ऑयल लिया है, 1/2 चम्मच मैंने खाने वाला सोडा मतलब मीठा सोडा लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैदा को इस तरीके से आपको रख लेना है एक बड़े बर्तन में। उसके बाद हम इसमें बीच में घोल ऐसे बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, इसमें आप सूजी ऐड कर लें। फिर हम अपनी दही को ऐड कर लेंगे, 2 बड़े चम्मच आपको दही लेनी है फ्रेंड। उसके बाद हम नमक डालेंगे, अब हमें मीठा सोडा डाल लेना है। क्योंकि गर्मी आ गई है फ्रेंड, इसलिए मैंने मीठा सोडा थोड़ा ही लिया है। अगर आप सुबह इसे गूंथेंगे तो मीठा सोडा लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे। फ्रेंड, भटूरा बनाना बहुत ही इजी है, बस क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि बताया, 400 ग्राम मैंने मैदा लिया था, 1/2 कटोरी सूजी, 2 बड़े चम्मच दही आपको लेनी है, और जब भटूरा खाएंगे उससे 2 घंटे पहले आपको ये गूंथ कर रख लेना है इसका बैटर, तभी ये अच्छी तरीके से फूलेगा। इसे हम अच्छी तरीके से ऐसे मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम इसे गुनगुना पानी से गूंथेंगे। तो देखिए फ्रेंड, करीब 1/2 ग्लास मैंने गर्म पानी लिया है, गुनगुना पानी लिया है। तो फ्रेंड देखिए, इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड, अगर बहुत गर्मी पड़ रही है आप इसे गूंथ रहे हैं तो उसमें सोडा डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे सुबह ही गूंथ कर रख लें। और अगर आपको आपको इसे बहुत मलना है। अब हम इसे
ढक कर रख देंगे। करीब एक चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इसे पूरा मिला देंगे अच्छी तरीके से। इसमें अच्छी तरीके से चारों तरफ मिलाकर इसे हम ढक कर रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कितना अच्छा गुद्धा है। आपको भी इसी तरीके से आटे को गूंदना है। अब हम इसे ढक कर 2 घंटे के लिए रख देंगे। फ्रेंड देखिए, जो भटूरा हमने गूंद कर रखा था उसे हम देख लेते हैं, ये कितना फूला हुआ है। ये देखिए बिल्कुल नरम है। इसी तरीके से आपको गूंद कर रख देना है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। तो देखिए कढ़ाई हमने गर्म कर लिया है, कढ़ाई हमारा हीट हो चुका है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो लोई आप अपने हिसाब से ले लें और इसे पूरा तेल में बेलना है। आपको कोई भी आटा यूज नहीं करना है, तो आप थोड़ा सा तेल यहाँ फैला लें और साथ ही साथ बेलन में भी तेल लगा लें। पूरी तरीके से इसमें तेल लगा लें और इसे बेल लें। इस तरीके से आपको गोल बेल लेना है। तो देखिए फ्रेंड, आपको इस तरीके से बेल लेना है गोल। आप चाहे तो अपने हाथ की मदद से भी इस तरीके से इसे फैला सकते हैं। अब हम इसे गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, हमने रिफाइंड लिया है रिफाइंड ऑयल। अब देखिए इसे इस तरीके से उठाना है और इसे गरम गरम ऑयल में डाल रहे हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा फूला है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा भटूरा कितना अच्छा फूला है, पूरी अच्छे तरीके से फूला है। इसे हम चारों तरफ से सेकेंगे और छोले के साथ इसे सर्व करेंगे। तो ये मेरा आज का भटूरा रेसिपी है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा भटूरा बनकर तैयार है। ये कितना फूला है आप देख सकते हैं। इसे आपको इसी तरीके से बनाना है फ्रेंड। ये दोनों देखिए भटूरा कितना अच्छी तरीके से फूला है। आप चाहे तो इसे लाल भी कर सकते हैं और इस तरीके का भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।